प्रीवियस क्लास में हमने डिस्ट्रक्टर पढ़ा था, है ना। उसके कुछ एग्जांपल्स लिए थे डिस्ट्रक्टर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसी में आगे अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसका आउटपुट बताना क्या आएगा आप लोगों को। मैं टाइप कर देता हूँ, ये क्लास है। इस क्लास के अंदर मैंने एक काउंट वेरिएबल लिया, स्टैटिक है, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर लिया, यहाँ पर मैंने काउंट में इंक्रीमेंट किया और सी आउट पर आया, कुछ भी दे देते हैं। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। ये लिया, एक डिस्ट्रक्टर लेते हैं इसी के अंदर, हमारा डिस्ट्रक्टर है। इस डिस्ट्रक्टर के अंदर मैंने प्रिंट कराया सी आउट, ऑब्जेक्ट काउंट ऑब्जेक्ट इज डेस्ट्रॉयड, ठीक है। ये ले लिया हमने, एक कंस्ट्रक्टर लिया, एक डिस्ट्रक्टर लिया। इसके जो स्टैटिक वेरिएबल, इसको बता देते हैं टेस्ट क्लास के अंदर, इसको प्रेजुलेशन ऑपरेटर की हेल्प से काउंट हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल। इंट मेन, अब इसका आंसर थोड़ा सोच समझ के करना। इसमें CLR SCR लगा देते हैं एक बार, कोई प्रीवियस आउटपुट ना आए, फिर इसको ना कर लेंगे। टेस्ट T1, ठीक है, T2, T3, तीन ऑब्जेक्ट बनाए टेस्ट क्लास के, ठीक है। इस टेस्ट क्लास के अंदर ये मैंने एक ब्लॉक लिया, ये हमारा एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट और बनाया टेस्ट T4, ठीक है, टेस्ट T4। उसके बाद मैंने एक ब्लॉक और लिया, सपोज ये एक और ब्लॉक है टेस्ट T5, ये दो ब्लॉक लिए। और यहां पर लिखता हूं मैं गेट CH रिटर्न 0, यस। अब मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बताओ क्या आएगा। क्लास है, इसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर है, काउंट एक स्टैटिक वेरिएबल है। बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर नॉन पैरामीटराइज, ये आपका डिस्ट्रक्टर है। जब भी कोई ब्लॉक या कोई मेन आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, तो ये डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका। T1, T2, T3 तीन ऑब्जेक्ट बनाए, फिर एक ये लिया मैंने ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक है एक छोटा सा, दो कर्ली ब्रेसेस मतलब एक ब्लॉक। फिर टेस्ट 4 ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एक ब्लॉक और लिया टेस्ट 5, फिर ये कंप्लीट करा। यस, कौन बताएगा इसका आउटपुट। कंप्लीट आउटपुट चाहिए, यू हैव 3 मिनट्स, 3 मिनट दिए आपको। चलो चेक करते हैं इसको। सभी ने मोस्टली यही आंसर दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैंने रन कराया, ये देखो क्या आया।
ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ CLR SCR करके। ये आपका CLR SCR है, इसको कमेंट कर देता हूँ। F9, अब दोबारा रन कराया, आपको जो कंसिडर करना है यहाँ तक करना है, हमारा जो प्रीवियस आउटपुट है वो यहाँ तक। ठीक है, इसमें हाँ ये भी प्रोग्राम में ना थोड़ा चेंज करते हैं, 1 मिनट, इसमें हम कुछ चीज भूल गए हैं। ये जो हमने ये लिया ना, इसमें डिक्रीमेंट भी तो करते हैं, ये तो भूल। यस, अब बताओ इसका आउटपुट क्या है। आपने तो ऐसे यूज कर रखा है, मैं इसको एक बार रन करता हूँ CLR SCR हटा के। ठीक है, कंट्रोल F9, ये आ गया हमारा आउटपुट। अब इसको मैं स्क्रीन को क्लियर करके कमेंट करता हूँ, जिससे मेरा जो पूरा आउटपुट दिखाई दे। अब आपको जो कंसिडर करना है, जो हमारा प्रीवियस आउटपुट है वो यहाँ तक है, सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं। देखो ये आउटपुट आया हमारा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। अब देखो थोड़ा ध्यान से, हमारा हमें जो आउटपुट देखना है वो यहाँ तक का देखना है, ये है हमारी डेडलाइन, क्योंकि ये प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट है। आपने T1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के बदले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। हमारा एक काउंट क्या है, एक वेरिएबल है काउंट, काउंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे आपने कंस्ट्रक्टर बनाया T1, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो, काउंट में इंक्रीमेंट हो गया, काउंट की वैल्यू होगी 1, प्रिंट हो गया काउंट की वैल्यू 1, 1 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये आ गया हमारा पहला आउटपुट। उसके बाद आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया T2, T2 बनते ही आपका फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होते काउंट में इंक्रीमेंट, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, काउंट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 2। तो लिखा आएगा 2, ये 2 हो गया था हमारा, तो सेकंड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये आ गया आउटपुट। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट और बनाया T3, ऑब्जेक्ट के बनाते कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा, काउंट में इंक्रीमेंट हुआ, काउंट की वैल्यू होगी 3। तो यहां पर आ जाएगा 3 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, ये एक ब्लॉक शुरू हुआ, ये हमारा एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर आपका क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट फिर बनाया आपने, ऑब्जेक्ट बनते ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंट में इंक्रीमेंट होगा, काउंट की वैल्यू होगी 4। 4 होते ये जो 4 है ये आ जाएगा 4 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, क्लियर है। जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर आता हूं, ये लाइन कंप्लीट होगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इससे बाहर आते ही मैंने बताया था, जब भी मैं किसी ब्लॉक से बाहर आऊंगा, अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट अब डेस्ट्रॉय होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट डेस्ट्रॉय होगा, वो वाला ऑब्जेक्ट डेस्ट्रॉय होगा जो इस ब्लॉक के अंदर क्रिएट हुआ है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी आप किसी ब्लॉक ब्लॉक से बाहर निकलते हो, जब भी आप किसी ब्लॉक से बाहर आओगे, समझ रहे, या किसी मेन फंक्शन से बाहर निकलोगे, तो आपके जो भी ऑब्जेक्ट बने थे वो डेस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस ब्लॉक से जैसे ही मैं बाहर आऊंगा, आपका ये वाला ऑब्जेक्ट डेस्ट्रॉय हो जाएगा। डेस्ट्रॉय होने पर कौन सा क्या कॉल होगा, आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब भी ब्लॉक से बाहर निकलो मैं, आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। किसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो इस ब्लॉक के अंदर क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट, उसके लिए सिर्फ। अभी ये नहीं डेस्ट्रॉय होंगे, ये जो डेस्ट्रॉय होंगे ये है मेन के अंदर, कहां है मेन के अंदर है, समझ रहे, ये वाले T1 T2, ये जब मेन टर्मिनेट होगा तब ये डेस्ट्रॉय होंगे। तो ये जैसे ही मैं से बाहर निकला, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ आएगा, आपके काउंट की वैल्यू क्या थी,
फोर, तो फोर ऑब्जेक्ट इज डेस्ट्रॉय, तो प्रिंट हो गया फोर ऑब्जेक्ट इज डेस्ट्रॉय। आपका फोर्थ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? डेस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, फोर्थ ऑब्जेक्ट इज डेस्ट्रॉय, ठीक है। और हमने काउंट में क्या कर देते हैं, एक मिनट, यहां पर एक लाइन छूट गई, काउंट में क्या कर देते हैं, डिक्रीमेंट, काउंट में क्या करते हैं हमने, डिक्रीमेंट। काउंट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी थी, फोर थी, ओ सॉरी, काउंट काउंट की वैल्यू हमारी फोर थी ना, काउंट की वैल्यू को हम कर देते हैं कितना, दोबारा से डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद मैं आता हूं नीचे, यहां पर, यहां पर देखना ध्यान से, ये हमारा एक ब्लॉक, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एक मिनट, हाँ, ये हमारा एक ब्लॉक फिर है। ये इस ब्लॉक के अंदर हमने क्या कर रखा है, कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट बनाया T5। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया इस ब्लॉक के अंदर, आपका ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा फोर, ये लिखा आएगा फोर्थ ऑब्जेक्ट इज, सॉरी, ऊपर ऊपर की तरफ, यहां पर आएगा फोर्थ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, फोर्थ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, समझ रहे, ये आपका आउटपुट आ गया, फोर्थ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। लेकिन जैसे ही मैं इस ब्लॉक से बाहर निकलता हूं, ये हमारा ब्लॉक था, ये वाला एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक से बाहर निकलता हूं, आपका फिफ्थ ऑब्जेक्ट डेस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा इससे बाहर निकलते ही, है ना। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये चेक करो, यह आ जाएगा फोर्थ ऑब्जेक्ट इज डेस्ट्रॉय, आपका फोर्थ ऑब्जेक्ट डेस्ट्रॉय हो गया और काउंट में डिक्रीमेंट कर दिया, काउंट की वैल्यू फिर क्या होगी, दोबारा 3 होगी, समझ रहे, 3 होगी। अब जैसे ही यह पूरा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, पांचों, तीन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में बने थे, है ना, ये क्रिएटेड हुए थे, अब ये बना और इससे बाहर निकलते डेस्ट्रॉय हो गया, ये भी बना, ये भी डेस्ट्रॉय होगा अभी, लेकिन ये नहीं अभी डेस्ट्रॉय हुए, ये अभी डेस्ट्रॉय नहीं हुए, ये डेस्ट्रॉय तब होंगे जब हम मेन से बाहर निकलेंगे। तो जैसे ही मेन से बाहर निकले, है ना, तो आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया कौन सा, यहां से, क्योंकि जब भी इस मेन से बाहर निकलोगे तो मेन से बाहर निकलते ही यहां पर लिखा आएगा थर्ड ऑब्जेक्ट इज डेस्ट्रॉय, थर्ड ऑब्जेक्ट इज डेस्ट्रॉय, इसमें डिक्रीमेंट होगा, थर्ड की वैल्यू होगी कितनी, 2। फिर इससे बाहर जो दूसरा क्रिएट हुआ था फिर वो डेस्ट्रॉय होगा, फिर लिखा आएगा सेकेंड ऑब्जेक्ट इज डेस्ट्रॉय, सेकेंड ऑब्जेक्ट डेस्ट्रॉय हो गया, फिर आएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज डेस्ट्रॉय, इसमें डिक्रीमेंट हो गया, है ना, और इसकी लास्ट में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये इसका आउटपुट है। क्लियर है सभी के, या कोई डाउट है? आपको सिंपली रखना क्या है, जिस ब्लॉक के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उस ब्लॉक से जब भी बाहर निकलोगे तो जो ऑब्जेक्ट इस ब्लॉक के अंदर क्रिएट हुआ वो डेस्ट्रॉय होगा, ये मैंने तुम्हें डेफिनेशन में बताया था। क्लियर है सभी के, ये हमारा आउटपुट आ गया सारा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये था हमारा डिस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ये है इनहेरिटेंस, इसे समझते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और इसी को बोलते हैं इज ए रिलेशनशिप, दूसरा नाम क्या है इसका, इज ए रिलेशनशिप।
ठीक है, इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, इज ए रिलेशनशिप। ठीक है, ये उप्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की खासियत क्या है? इनहेरिटेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के पास जो वेरिएबल्स और मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उनको इनहेरिट करना पड़ेगा। लेकिन आप तो पेरेंट क्लास जो आपकी क्लास चाहे आपकी क्लास होगी उसके अंदर आपके कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, अगर आप उन्हें बार बार यूज करना चाह रहे हो तो इससे अच्छा है कि उस क्लास को इनहेरिट कर लो। इनहेरिट कर लोगे तो उसके पास जो भी वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं वो फैसिलिटी आपके पास आ जाएगी और आप अपने प्रोग्राम के अंदर उसे इजीली यूज कर सकते हो। तो ये पॉसिबल है किसके थ्रू? इनहेरिटेंस के थ्रू। तो इनहेरिटेंस की जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे हमने क्या किया, कुछ फंक्शंस थे हमारे पास, कुछ एक क्लास है उसके पास कुछ फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, हर क्लास को उसकी जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, उन फंक्शंस को पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। कहां पर डिफाइन करेंगे? पेरेंट क्लास के अंदर। जैसे ये आपकी कोई क्लास है, इस क्लास के अंदर सपोज मैं मान के चलता हूं कुछ वेरिएबल्स हैं, सपोज इसके पास कोई वेरिएबल है इंट में ए बी सी, इंपोर्टेंट वेरिएबल है सपोज ये, और कुछ फंक्शन है M1 फंक्शन है इसके पास, एक फंक्शन है M2 फंक्शन, ठीक है, सपोज M3 फंक्शन, ये कुछ फंक्शंस हैं, इंपोर्टेंट फंक्शंस हैं, ये क्लास है आपकी, क्लास क्लास का नाम देते हैं पेरेंट, पेरेंट क्लास है। एक है आपकी, ये है आप, ये चाइल्ड है, दो चाइल्ड, एक चाइल्ड, कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं। उस चाइल्ड ने क्या किया, इस क्लास को इनहेरिट कर लिया, इस क्लास को इनहेरिट कर लिया। इसके पास अपने खुद के जो फंक्शन थे, सपोज M11 एक फंक्शन था, M22 एक फंक्शन था, एक क्लास ये है, इसके पास M12 फंक्शन है, ठीक है, M13 फंक्शन है सपोज, और उसके पास अपने वेरिएबल है X1। ठीक है जी, ये सिचुएशन है। तो यहां पर हो क्या रहा है, ये देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये जो दो चाइल्ड क्लास हैं, ये जो नीचे हैं ये चाइल्ड क्लास हैं, ये सपोज चाइल्ड 1 है और ये चाइल्ड 2 है, चाइल्ड 2। अब देखो चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 ने किसको इनहेरिट करा, पेरेंट 1 को, पेरेंट को इनहेरिट करा, इस पेरेंट को इनहेरिट करा, ये इनहेरिट कर लिया पेरेंट 1। तो इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं ये इनहेरिट होके, ये सारे के सारे इनहेरिट होके किसके पास चले जाएंगे, ये चले जाएंगे इसके पास। सिमिलरली ये जो फंक्शंस हैं इसने भी इनहेरिट कर रखा चाइल्ड 2 ने, तो इसके पास ये इनहेरिट होके चले गए। ठीक है, अब M1 M2 M3 जो फंक्शंस थे उनको चाइल्ड ने बनाया नहीं, इसने इनहेरिट करा अपने पेरेंट से लिए। ऐसे चाइल्ड 2 क्लास ने इन फंक्शंस और वेरिएबल्स को बनाया नहीं, खुद इनहेरिट करा। तो आपने क्या किया, ये फंक्शन एक पेरेंट क्लास में बना दिए और इनहेरिटेंस के थ्रू ये बनाने से बच गए, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 बने बनाए रेडीमेड मिल गए इनको, इसको और इसको। अदरवाइज अगर मैं यहां भी बनाता और यहां पर भी बनाता तो आपका प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाता, हर चाइल्ड को अपना खुद का बनाना पड़ता है M1 M2। लेकिन इनहेरिटेंस फीचर्स की वजह से ये जो फंक्शंस हैं और वेरिएबल्स हैं इनहेरिट होके चाइल्ड के पास चले गए। तो इस चाइल्ड के पास अब खुद के अपने पांच फंक्शंस हो गए इसके पास। कितने फंक्शंस हो गए टोटल? 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5। दो इसके खुद के थे और तीन इनहेरिट हुए और तीन वेरिएबल मिले, तो उसके पास तो टोटल जो मेंबर हैं 5 और 3, 8 मेंबर हो गए। ठीक है जी, इसी तरह से जो चाइल्ड 2 है उसके पास खुद के 5 फंक्शंस हो गए और 5 ही वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है कि चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2
पेरेंट क्लास के जो फंक्शंस और वेरिएबल्स हो उनको रीयूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर, है ना, रीयूज, ये भी यूज कर रहा है, ये भी रीयूज कर रहा है। तो इनहेरिटेंस की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हुई वो ही कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब कोड को बार बार रीयूज करते रहो, ये भी रीयूज कर रहा है, ये भी रीयूज कर रहा। तो इसके पास अब पांच फंक्शन हो गए। तो मैं चाइल्ड क्लास का, जब मैं चाइल्ड वन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो चाइल्ड वन इन पांचों मेथड को कॉल करा सकता है और इन तीन वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है। ऐसे ही चाइल्ड टू इन पांचों फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है और पांचों फंक्शंस को, वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, कॉल करा सकता है, ठीक है। तो ये नए टाइम से पॉसिबल हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो मोस्ट ऐसे फंक्शंस जो सभी चाइल्ड को चाहिए, है ना, हम उनको क्या करेंगे, सभी चाइल्ड को चाहिए उनको कहां डिक्लेयर कर दें, पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइन कर दें। जब हम पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइन कर देंगे उनको, इनहेरिटेंस के थ्रू ये फंक्शंस चाइल्ड वन चाइल्ड टू के पास चले जाएंगे ऑटोमेटिक। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो इनहेरिटेंस में होगा क्या, जब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है ना, एक्सटेंड्स करता है, समझ रहे, तो उस पेरेंट क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं वो इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास के पास चले जाते हैं, है ना, चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाएंगे। तो चाइल्ड क्लास उन पांचों फंक्शंस को जो इनहेरिट होके आए, तीनों फंक्शन वो और दो अपने, उन सबको एक्सेस कर सकता है इजीली। ये समझ में आया एग्जाम्पल सभी के या नहीं? ओके गुड। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस, when child class extends or inherits parent class properties मतलब data member, ठीक है, डेटा मेंबर एंड बिहेवियर मतलब मेंबर फंक्शन, ठीक है। व्हेन चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स, ये एक्सटेंड्स बोल दिए, इनहेरिट्स पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर, है ना, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं इनहेरिटेंस को, इज ऑल्सो नोन एज इज ए रिलेशनशिप, इज ए रिलेशनशिप, इसको क्या कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज इज ए रिलेशनशिप, ठीक है। थ्रू इनहेरिटेंस पेरेंट चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस पेरेंट क्लास मेंबर्स मेंबर्स मतलब डेटा वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन, ठीक है। थ्रू इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस पेरेंट क्लास मेंबर्स, ठीक है। When child class extends or inherit parent class property and behavior is called inheritance, ठीक है। Inheritance is also known as is a relationship. Through inheritance, child class can access parent class members. The important इसमें लिखो note. The main advantage of
मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है ना. दूसरी एडवांटेज बताएगा कोई और क्या है, दूसरी एडवांटेज क्या है इसकी. रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि एक बार डिफाइन करो बार बार यूज कर देना. यस हाँ, टाइम कम लगेगा स्पेस कम लगेगा. यस है ना, क्योंकि हमने जो कॉमन चीजें थी कहां पर डिफाइन करी थी, यहां पर. ये एक बार डिफाइन करी इसे बार बार यूज करनी पड़ रही. अगर इनहेरिटेंस ना होता तो उसको M1, M2, M3 खुद के बनाने पड़ते वेरिएबल और खुद के फंक्शन बनाने पड़ते और वेरिएबल लेने पड़ते. ऐसे ही चाइल्ड 2 को भी ये वेरिएबल्स बनाने पड़ते, ठीक है, और इन फंक्शंस को भी डिफाइन करना पड़ता. तो ये कोड आपका क्या हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. लेकिन इनहेरिटेंस से क्या हुआ, एक बार डिफाइन करा ऊपर पेरेंट में और इनहेरिट होके सबके पास चला गया उसकी एक एक कॉपी. तो यहां पर स्पेस आप और टाइम दोनों बचा सकते हैं. थ्रू इनहेरिटेंस वी कैन सेव मेमोरी स्पेस एज वेल एज टाइम है ना. थ्रू इनहेरिटेंस वी कैन सेव मेमोरी स्पेस एज वेल एज टाइम, दोनों सेव कर सकते हैं, ठीक है. तो ये हमारा इनहेरिटेंस हुआ. एक चीज और, जिसको इनहेरिट करेंगे उसको हम कहेंगे पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास या बेस क्लास, इसको बेस क्लास भी कहते हैं, है ना. इसको क्या कहेंगे, पेरेंट क्लास, बेस क्लास, और दूसरा नाम इसका सुपर क्लास. ये तीनों इसी के नाम है. जिसको इनहेरिट करेंगे उसको पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं आप, बेस क्लास भी, सुपर क्लास भी. लेकिन जिसे जो इनहेरिट करेगा उसको क्या कहेंगे हम, चाइल्ड क्लास, सब क्लास, ठीक है, सब क्लास, और एक हो जाएगा आपका ये ड्राइव्ड क्लास, ड्राइव्ड क्लास, ठीक है. तो ये है इसमें आपका, जिसको इनहेरिट करेंगे पेरेंट क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास. जिसने इनहेरिट करा उसको बोलेंगे हम चाइल्ड क्लास, सब क्लास, ड्राइव क्लास, ठीक है. मैं लिख देता हूं पॉइंट, विच क्लास इज इनहेरिटेड, जिसको इनहेरिट करा विच क्लास इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड पेरेंट क्लास, सुपर क्लास और बेस क्लास, है ना. इसमें लिखते हैं विच इनहेरिट्स द, विच इनहेरिट्स द पेरेंट क्लास, जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, विच इनहेरिट्स द पेरेंट क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास और सब क्लास और ड्राइव्ड क्लास, उसको क्या कहेंगे, ड्राइव्ड क्लास कहेंगे. समझ में आया. तो ये हुआ हमारा इनहेरिटेंस. व्हेन चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स और एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर, है ना. ये एक्सटेंड्स करने का जो प्रोसीजर है समझ रहे, इसको क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज इज ए रिलेशनशिप. थ्रू इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस पेरेंट क्लास मेंबर. मेन एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज कोड रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कुछ भी लिख दो. थ्रू इनहेरिटेंस वी कैन सेव मेमोरी स्पेस एज वेल एज टाइम, दोनों बचा सकते हैं,
है ना, विच क्लास इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड पेरेंट क्लास, जिसको इनहेरिट किया गया उसको क्या कहेंगे, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास और बेस क्लास, जिसने इनहेरिट करा उसको क्या कहेंगे, आपका पेरेंट क्लास, ओ सॉरी पेरेंट को इनहेरिट करने वाले को क्या कहेंगे, चाइल्ड क्लास, सब क्लास और डायरेक्ट क्लास। ठीक है जी, सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स किस तरह से लिखेंगे ये देखते हैं। सपोज हमने क्लास ली, इसमें आएगा पहले क्लास पेरेंट, पेरेंट क्लास आएगी, इस पेरेंट के अंदर आपके प्रॉपर्टीज, डेटा मेंबर प्लस और क्या आ जाएंगे, मेंबर फंक्शन, फंक्शंस, ठीक है, मेंबर फंक्शंस आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगे चाइल्ड क्लास, चाइल्ड, चाइल्ड यहां लिखोगे आप कोलन, फिर क्या लिखेंगे, कोलन, फिर यहां पर लिखोगे एक्सिस स्पेसिफायर, एक्सिस स्पेसिफायर या एक्सिस मॉडिफायर बोल दो या विजिबिलिटी मोड बोल दो, कुछ भी बोल दो, विजिबिलिटी मोड, ठीक है। फिर आएगा आपकी पेरेंट क्लास का नेम, ठीक है, ये आपकी पेरेंट क्लास, ये चाइल्ड क्लास, यहां पर आ जाएगी पेरेंट क्लास का नेम, पेरेंट क्लास, ये पेरेंट क्लास आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स हो गया, इसको नेट करना है, ये आपकी चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास, ये जस्ट सिंटैक्स है, ठीक है, ये आपकी पेरेंट क्लास आ जाएगी, क्लास, ठीक है। इसके अंदर जो भी आप डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होंगे वो आ जाएंगे, फिर यहाँ पर बॉडी स्टार्ट हो जाएगी किसकी, चाइल्ड की, यहाँ पर चाइल्ड के जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस है वो आ जाएंगे, चाइल्ड के खुद के भी हो सकते हैं अपने, इस तरीके से। तो इसका सिंटैक्स हुआ। ये जो विजिबिलिटी मोड है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी मोड, इसको लिख देता हूं मैं नोट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी मोड, कौन कौन से होते हैं, मैं इन्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इनका नंबर आने वाला है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होते क्या है, देयर आर थ्री विजिबिलिटी मोड, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, एक मिनट, ओके, इट इज आल्सो नोन एज एक्सिस स्पेसिफायर, एक्सिस, इनको एक्सिस स्पेसिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के होते हैं, विजिबिलिटी मोड, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, पब्लिक भी आ सकता है इस जगह, प्रोटेक्टेड भी और पब्लिक भी। उनका क्या मतलब है, सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, ठीक है, ये क्यों यूज करते हैं, ठीक है जी। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इनहेरिटेंस के बीच में ही, अभी इसमें जो हम पढ़ते हैं इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्लास ली मैंने पेरेंट, पेरेंट, इस पेरेंट क्लास के पास पब्लिक इंट एक्स वाई दो वेरिएबल है, सपोज इसके पास फंक्शंस हैं पब्लिक वॉइड एम वन, ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, और भी हो सकते हैं वॉइड एम टू, ये भी हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, ये हमारी पेरेंट क्लास है। इसको इनहेरिट करा किसने, चाइल्ड क्लास ने। तो कैसे इनहेरिट करेगी, क्लास चाइल्ड जो भी होगी आपकी, चाइल्ड आपका आएगा कोलन, फिर आएगा विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी कौन सा, पब्लिक भी आ सकता है, प्राइवेट भी आ सकता है, प्रोटेक्टेड, फिर
पैरेंट क्लास का नाम, इसके पास अपने खुद के जो वेरिएबल है, इसके पास एक वेरिएबल है सपोज फ्लोट में, ठीक है, इसके पास जो फंक्शन है पब्लिक, वॉइड एम थ्री फंक्शन है सपोज, इसके पास चाइल्ड के पास, ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पेरेंट क्लास के पास कितने फंक्शंस हैं, पेरेंट क्लास कंटेन टू फंक्शंस, ठीक है, पेरेंट क्लास के पास कितने वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स, ठीक है जी। मैं पूछ रहा हूं चाइल्ड क्लास के पास कितने वेरिएबल्स हैं, यस कितने वेरिएबल्स है चाइल्ड के पास, चाइल्ड के पास तीन वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है ना इनहेरिट होके आगे इसके पास, तो इसके पास एक अपना वेरिएबल तो था ही खुद का, दो इनहेरिट होके आगे, ठीक है, तो इसके पास तीन वेरिएबल है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं कि चाइल्ड के पास कितने फंक्शंस हैं टोटल, यस यस, तो चाइल्ड के पास टोटल फंक्शन कितने हैं, ये छह हो गए टोटल, तीन वेरिएबल और तीन फंक्शन, ठीक है, तो तीन फंक्शन है। अगर ये इसे इनहेरिट ना करता, इसको इनहेरिट ना करता, तो चाइल्ड के पास सिर्फ एक वेरिएबल था और एक फंक्शन, ठीक है, लेकिन चाइल्ड ने किसको इनहेरिट करा, पेरेंट को, पेरेंट को इनहेरिट कर लिया, तो इसके पास तीन वेरिएबल हो गए और आपके तीन फंक्शन हो गए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस, एक एग्जाम्पल हो गया इनहेरिटेंस। मैं आया सभी की, ठीक है, कल पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी ये जितने भी चलेंगे, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें जो है ना ओके, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, C++ में, जावा में सिर्फ तीन तरह के हैं, ठीक है, तो कल पढ़ेंगे हम कौन कौन से हैं आपके टोटल फाइव टाइप्स के इनहेरिटेंस, आप मुझे उनके नाम बताओगे व्हाट्सएप कर देना, इसमें बताओ कोई डाउट हो तो, इनहेरिटेंस पढ़ा है, इसे रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, इसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है, एक्सिस मॉडिफायर कितने होते हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टिव, ठीक है, इसका एग्जांपल लिया वो कल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी, ठीक है जी, आज इतने रखते हैं, कल आगे डिस्कस करेंगे।